रांची में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा से बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। हिमंता ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही जेएसएससी के अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति होगी। जिन परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उन्हें रद्द किया जाएगा। वही हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि जब हमारा शासन होगा तो पहले कैबिनेट की बैठक में ही खाली पड़े पदों को भरने का कार्य किया जाएगा। कारण क्या है? चेयरमैन का नया नियुक्ति नहीं हुए। हमारा उम्मीद थे कि आसार संहिता का पहले कम से कम हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करेगा, लेकिन वो करने में असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा होगा कि हम जेपीएससी का चेयरमैन शासन में आने का 15 दिन का अंदर हम लोग जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करूंगा। अगर चेयरमैन को लगे कि वो रिजल्ट ठीक ठाक है, बारकोड वगैरह मेंटेन हुआ है, तो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर कुछ धांधली नज़र में आते हैं तो उसको विचार किया जाएगा। हमारा झारखंड सरकार में 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है। हमारा वादा है कि पहले 1.5 लाख पोस्ट हम तुरंत उनका कैलेंडर जारी कर दूंगा और 1.5 लाख नियुक्ति हम 1 साल में पूरा करूंगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।